हेलो डियर ऑल वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल प्रेजेंट स्मार्ट इंडियन क्लासेस एडुफन ऑनलाइन क्लासेस इंक्लूड कोर्स स्टडीज ऑफ प्ले ग्रुप टू क्लास ट्वेल्व इमोशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों स्टूडेंट इन इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अबाउट ओके सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं सपोज़ कीजिए आपके पास जैसे अभी मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास क्या है ये कोई बाम मैग्नेट है ये क्या कोई बा मैग्नेट है ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ओके सो सपोज़ कीजिए मैंने एक स्मॉल मैग्नेट में लाया हूँ और इसका क्या है ये साउथ पोल ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है तो ये क्या करेगा अटैक करेगा और ये क्या करेगा इसको जा करके के चिपक जाएगी ऐसी तो होगा ये इसको जा करके के चिपक जाएगी अगर मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूँ अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे करके रख दूँ मैंने इसको ऐसे करके रख दिया ठीक है ये हो गया मेरा नॉर्थ और ये सॉरी ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ तो ये क्या करेगा ये एंड आएगा और नॉर्थ साउथ क्या करेगा नॉर्थ से आपकी और के चिपक जाएगा यही तो होगा ठीक है लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा जब आप मैग्नेट का साउथ अगर मैं इसका नॉर्थ को इधर ले आऊँ और साउथ इधर कर दूँ तो ये क्या करेगा रिपेल करेगा आप इस मैग्नेट को क्या करते रहेंगे नचाते रहेंगे यानी आगे आगे ये भागते रहेगा ऐसा आपने बहुत किया होगा सारे बच्चे करते हैं मैंने भी किया ओके सो so, लेकिन कभी क्या होता है जैसे ही इसका हम बहुत ज़्यादा क्लोज ले आते हैं तो ये क्या हो जाता है एकदम से रोटेट होकर के चिपक जाती है हमें पता नहीं चलता है कि यार अभी तो ये भाग रही थी अब एकदम से आकर के चिपक कैसे गई है ना सो so, ऐसा कैसे होता है ऐसा कैसे होता है होता क्या है जैसे ही हम इसको बहुत ज़्यादा क्लोज लाते हैं मैग्नेट क्या करता है एकदम से टर्न होता है और जो पोल था वो क्या टर्न करके टर्न होकर के और इसके नॉर्थ पोल इससे जा कर के चिपक जाता है ठीक है घूम करके ऐसा नहीं है कि इसी पोल से चिपक जाएगा ऐसा कभी नहीं होता है घूम करके पीछे की साइड से ही क्या करता है आ करके चिपक जाता है ओके okay? सो so, कैसे ऐड हुआ जा करके या तो ऐसे मूव कर रहा था और उसके बाद क्या हो गया अगर ज़्यादा क्लोज लाए तो इधर मूव करके है ना सो so, ऐसे ही क्या करता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं या अगर यहाँ पर पुट किया होता तो ये ऐसा करके मूव कर जाता है ना यहाँ पर पुट किया होता तो ये इस तरीके से मूव कर जाता इधर को मूव किया होता तो ऐसा करके मूव कर जाता ओके okay? सो so ये जो लाइन्स बन रही हैं ये जो लाइन्स बन रही हैं ये काय को रिप्रेजेंट कर रही हैं पाथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं कौन से पाथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिस पाथ के अलोंग ये जो सेकेंडरी मैग्नेट था इस फर्स्ट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में जिस पाथ के अलोंग ये मूव कर रहा है दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स सॉरी सो जिस पाथ के अलोंग ये मूव कर रहा है दैट्स पाथ इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ओके वही पाथ क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है क्लियर यानी मैग्नेटिक अब ये क्या है देखिएगा यहाँ पर जो पोल है उसके और तो ये स्ट्रेट होती हैं चूंकि मूव करता है लेकिन बाद में क्या होती हैं ये क्लोज कर्व की फॉर्म में होती हैं कैसी होती हैं क्लोज कर्व की फॉर्म में होती हैं ठीक है ठीके? और इनका जो ये जो मैग्नेट के पोल के जो आसपास होती हैं काफ़ी डेंस होती हैं इनकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है ओके यानी मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो पोल्स के करीब जो है ज्यादा हाई होता है क्लियर ये बात पता चल गई होगी सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है इमेजनरी होती हैं दिखाई तो देती नहीं है सो इमेजनरी पाथ हैं और ऐसे इमेजनरी लाइन्स हैं जिनके अलॉन्ग कोई अदर मैग्नेट मूव करता है ओके okay? क्लियर हो गई होगी बात इसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं इमर्ज करती हैं नॉर्थ पोल से यानी नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में एंटर करेंगी मर्ज कर जाएंगी क्लियर इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल ओके फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई दूसरी प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी ओवरलेप नहीं करती हैं ठीक है मैग्नेट यानी एक पर्टिकुलर एक, केस एक के लिए मैग्नेट का जो पथ रहेगा वो एक ही रहेगा ऐसा नहीं है कि ऐसे जा रहा था और फिर ऐसे ऐसे घूमता हुआ जाएगा ऐसा नहीं होगा एक क्लोज़ कर्व बनाएगा एक क्लोज़ कर्व बनाएगा और वो क्या रहेंगी आपस में कभी भी ओवर नहीं हो रहे होंगे ठीक है आउटसाइड मैग्नेट के इन आउटसाइड डायरेक्शन में क्या रहती हैं ये नॉर्थ टू साउथ होती हैं और इनसाइड जो इनकी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है साउथ टू नॉर्थ होती है ओके सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इन साइड द मैगनेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ क्लियर ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी ओके okay. इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक दूसरे को कभी भी ओवरलेप नहीं करती हैं कट नहीं करती हैं ठीक है सो so काय को रिप्रेजेंट करती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है डायरेक्शन मतलब अगर यहाँ पर जो मैग्नेट रखेंगे सो तो वो किस डायरेक्शन में अगर पुश करेगा या जो कंपास को अगर हम डिटेक्ट करते हैं तो उसका नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में मूव करेगा नॉर्थ है अगर मैं यहाँ को कंपास मैंने पुट कर दिया सो इसका नॉर्थ पोल कहाँ जा कर के ऐड हो जाएगा साउथ पोल से जा कर चिपक जाएगा ऐसे करके जाएगा ओके okay, सो so इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का को रिप्रेजेंट करती हैं कि अगर इसके मैग्नेटिक मैग्नेट magnet के मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई अदर कंपास रखें सो उस कंपास का जो नॉर्थ पोल का मोशन होगा ठीक है उसको रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ ना, पोल क्या करेगा यहाँ से कंपास टर्न घूमेगा और इधर जाकर के इस डायरेक्शन में चला जाएगा है ना सो so, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है एक क्लोज पाथ है जिन पर कोई अदर मैग्नेट मूव करता है या मैं ऐसे कह सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रिप्रजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कम्पास निडिल सॉरी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नॉर्थ पोल कंपास, ओके, ओके। क्लियर? क्लियर सो ये आपको हो गया होगा, ठीक है? Okay. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एड क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग